मेरा आंख में मिर्ची चला गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे दोस्तों, आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कैसे चल रहे रमजान आप लोगों के? यार हमारी तो आठोला हो गई थी, आपको आगे मैं वीडियोस बताऊंगा, आप वीडियो पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। अभी फिलहाल देखो मैं इतनी प्यारी जगह पे घूम रहा हूँ, नर्सरी है ये हमारा विलेज का नर्सरी। यहाँ सारे झाड़ लगे हुए, बहुत प्यारे प्यारे झाड़ है। तो शुरू करते हैं नया व्लॉग। इंशाल्लाह आपके रोज़े तो अच्छे गुजर रहे होंगे। भाई इंडिया में तो एकदम कड़क वाली धूप है, बहुत ख़तरनाक वाली धूप है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है ना धूप ख़तरनाक चमक रही है। मैं नर्सरी में घूम रहा हूँ, ठंडी यानी अभी तक काम किया था, एक छोटा सा काम आया था मेरे हाथ में, यानी कि जैसे कूलर होता है ना, कूलर को दीवार पे टंगाने के लिए एक स्टैंड बनाया हूँ। अब वो बताया तो नहीं हूँ मैं, ले जाके जहाँ पे देना था वहाँ दे दिया। अगर मेरे को वो बुलाते हैं खिले मारने के लिए दीवार में तो मैं जाऊँगा, तो ज़रूर आपको बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो आपको मैं अभी ये बताता हूँ, कल मैं गया था धर्माबाद, तो मेरी आँख में गिर गई थी मिर्ची, ठीक है ना। तो धर्माबाद में दोस्तों सबसे फेमस वाला मार्केट है मिर्ची मार्केट। हम हर बार, हम ही नहीं, हैदराबाद से लोग आते हैं, नांदेड़ से लोग आते हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आकर के वहां से मिर्ची ख़रीदते हैं। धर्माबाद में मिर्ची मंडी है, आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरे लोकल एरिया से देख रहे हैं वो लोगों को पता ही है। वहाँ अच्छी मिर्ची मिलती है, तेजा सबसे तेज़ वाली मिर्ची, वो मिर्ची कल मेरी आँख में गिर गई थी। आगे आप वीडियो देखो, आप पूरा वीडियो देखो, आपको मंडी बताऊंगा मैं, उसका लोकेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग लोकल में हैं तो वहां से आके मिर्ची खरीदो, बेस्ट है, अपना ही बंदा वहां पर काम करता है। तो दोस्तों ये कल के टाइम में जो है पाउडर बहुत महंगा मिल रहा था, तो इसीलिए हमने जो है मिर्ची ख़रीदा। जैसे आप देख रहे हैं ये मिर्ची ख़रीद के जो है नमक भी हमने ख़रीदा यहाँ से, उसके बाद जो है हमने पिसवाया है, पिसवाने से आपको थोड़ा कम रेट में गिरेगा। इसीलिए वो जो भाई आप देख रहे हैं ना, जो मिर्ची डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, वो हमारे कज़न ही होते हैं, तो वो वहीं पे काम करते हैं मिर्ची मंडी में। फिर भी जो है ना, जो मार्केट का रेट होता है उसी रेट से आपको मिर्ची मिलेगा, कोई कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। थोड़ा बहुत मुमकिन, थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन पूरा तरीके से कम नहीं होता है। देखो ये मिर्ची और नमक मिला करके डेट के साथ, यानी जो डंडी आती है मिर्ची का, उसके साथ ये भाई जो है पीस रहे हैं। देख सकते हैं आप, नमक मिलाया है इसमें, दो मिर्ची मिलाया है, एक तेजा है और एक कोई नॉर्मल वाला मिर्ची है मोटा वाला। तो उन्होंने बोला कि एकदम तेजा नहीं लेना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, इसीलिए जो है मिक्स किया है। मिक्स करके पिसाने के बाद हमको ये 210 रुपया किलो से पड़ी है, यानी 210 रुपया किलो। आप पाउडर ले लोगे तो 230 रुपया किलो आपको पड़ेगा। हमारे जावेद भाई का तो हालत ख़राब हो गया था भाई, यहाँ पर नया बंदा कोई जाएगा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसकी। देखो भाई झटक झटक के जो है मिर्ची जमा कर रहे हैं इसमें, अभी इसमें से जो है डालेंगे हमारे कवर में। देखो ये डाल रहे हैं मिर्ची का पाउडर, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। लेकिन भाई बहुत बच के रहना पड़ता है, यहाँ थोड़ी सी भी गलती जो है आपका नुकसान करेगी, यानी कि आपको दर्द तकलीफ़ देगी। जैसे मैं कवर पकड़ के ले जा रहा हूँ ना, इसको मैं बांधने की कोशिश किया, जो है उसके अंदर का जो डस्ट था वो आकर के मेरे आँख में, यहाँ बाहर साइड में जो है आँख में गिर गया था, वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि जावेद भाई भी परेशान थे। मिर्ची मंडी धर्माबाद, यहाँ पर हालत ख़राब हो गई, तेजा की मिर्ची 210 रुपये किलो। गायत्री यहाँ से लिए हम 210 रुपये किलो, और ये पूरा मिर्ची मंडी है, हालत ख़राब हो जा रही बाप। मेरा आँख में मिर्ची चला गया, बहुत गलत टाइम पे हम लोग आ गए, सुबह सुबह आना चाहिए। अभी अब वाठोला हो गया भैया, जावेद भाई को और सामान ले लेगा था, वो मना कर दिया, बोले अभी चलो इधर से, ये पूरा मिर्ची मंडी। तो भैया आप लोगों ने मिर्ची मंडी की वीडियो तो देखी होगी यार, कल गाड़ी चलाने नहीं आया मेरे को, पूरा जिस्म में अंगार बढ़ गई थी, और आंख में अंगार, मुंह पे अंगार, पूरा पेशानी पे अंगार, नाक में अंगार, क्योंकि हम लोग गए थे गलत टाइम पे, आपने देखा ही होगा। तो अगर मिर्ची आपको चाहिए, पाउडर चाहिए, या पिसवाना चाहते हैं तो जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना शाम के टाइम पे गए थे, उस टाइम पे सफाई का काम चलता है, झाड़ू मारते हैं, उस वजह से जो है आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। नया बंदा अगर जाता ना तो दम घुट जाता। हमारे जावेद भाई का हालत तो बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया था, वैसे मैं तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया, और जो मैं नाक को कपड़ा बांधा हुआ था ना वो गाड़ी का कपड़ा, क्योंकि मेरे पास दस्ती नहीं था। और एक मजाक की बात, मजाक नहीं, आप लोग समझोगे भी नहीं कि भाई कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। आज का मेरा ट्राइपॉड आप देख सकते हैं,
हिंदुस्तान की जय हो, क्योंकि हिंदुस्तान में जुगाड़ की कमी नहीं है। तो ये हमने आज जुगाड़ बनाया है ट्राईपोड, इसके ऊपर लगा के मैं वीडियो शूट कर रहा था। आपको कैसा लगा मेरा ट्राईपोड कमेंट करके ज़रूर बताना। कल जो मैंने कोशिश किया था कि भाई सैल्ट वाले वाटर से वेल्डिंग मशीन बनाऊं, तो वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप समझो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। मैंने कल कोशिश किया, लेकिन मैंने पूरा भरपूर कोशिश नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है उसके अंदर फेस एकदम डायरेक्ट से आ जाएगा। अगर हाथ भी लग जाएगा तो समझो आप चिपक जाओगे। इसीलिए मैंने बस नॉर्मल सा किया है, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो देख चुका था कि भाई ऐसे भी आप इमरजेंसी वेल्डिंग मशीन बना करके जो है काम कर सकते हो। लेकिन वो सबसे घटिया और गलत काम है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग जो है पता नहीं यार कैसे बता देते हैं ये सब करने के लिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलते। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरी भरी फकराबाद की मस्जिद, डूबता सूरज और रोज़दारों के लिए फिल्टर वाटर। चलते हैं अंदर मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी चल रही है, बच्चे लोग काम पे लगे हैं। देखो इफ्तारी में क्या क्या है आज, तरबूज, अंगूर, मिर्ची, दही बड़े। रमजान में कौन बड़े? दही बड़े। चलने तो माशाल्लाह, बच्चे बड़े हैं नहीं?